talking about the next part of enzymes, that is coenzymes and cofactors. But इसके लिए आपको enzymes के types पता होना जरूरी है. In general nature में जितने भी enzymes है उन्हें दो categories में बांटा जाता है, simple enzymes and complex enzymes. Enzymes they are classified into two categories, simple and complex. कोई enzyme है जो सिर्फ और सिर्फ protein से बना होता है, the enzyme which is made up of only protein and which is only enzyme, there is no any other factor. ऐसा enzyme जो सिर्फ protein से बना है and there is no extra factor present or required for its activity. सिर्फ प्रोटीन से बना है और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं लग रहा है, तो इस एंजाइम को कहा जाएगा सिंपल एंजाइम. जैसे कि कुछ एंजाइम्स के नाम ट्रिप्सिन और पेप्सिन एटसेट्रा, दीज आर द सिंपल एंजाइम्स. इन्हें कोई नॉन एंजाइमेटिक कंपोनेंट लगता नहीं है काम करने के लिए, ये खुद ही कर लेते हैं. बट ऐसे एंजाइम बहुत कम है, 2%, 3%, 10% के आसपास. ज्यादातर एंजाइम कौन से प्रकार के एंजाइम्स हैं? कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स है. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स. और कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ये प्रोटीन से बने होते हैं लेकिन सिर्फ प्रोटीनेसियस पार्ट आ जाए या सिर्फ एंजाइम हो तो ये काम नहीं कर पाएंगे. तो वापस ये प्रोटीन से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. बट जो प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम है, ओनली एंजाइम इज नॉट एक्टिव. ये काम नहीं कर पाएगा, बनेगा ठीक है लेकिन काम नहीं कर पाएगा. इस प्रकार का ओनली एंजाइमेटिक पार्ट, इस प्रकार का ओनली प्रोटीन पार्ट जो इनएक्टिव होता है एंजाइम का, कई बार इसे एपो एंजाइम कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम. तो हमने पूछा कि आप काम नहीं क्यों कर रहे हो, तो इसने कहा मुझे सर और एक दोस्त चाहिए मेरे साथ इंटरेक्ट करने वाला, मेरे साथ कोई चाहिए तब जाकर मैं काम करूंगा, हमेशा लगेगा ये मेरे लिए. भैया मेरे साथ बैठ कर रहे या जब काम है तब आए, इससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ आए तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते. ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है जिसे हमने एपो एंजाइम कहा. तो ठीक है, इनका दोस्त जो है अब आकर यहाँ पर बाइंड होगा तो किसी तरह से ये एक्टिव बन गया और इस दोस्त को हम कहते हैं कोफैक्टर. जो एंजाइम को अपनी एक्टिविटी में लाने के लिए हेल्प करता है, अब ये एपो एंजाइम जो नॉन एक्टिव था, इनएक्टिव था, एपो एंजाइम ऐसे नॉन एंजाइमेटिक पार्ट के साथ एसोसिएट हुआ. नॉन एंजाइमेटिक पार्ट जो एंजाइम का हिस्सा नहीं था, जिसे हम कह रहे हैं कोफैक्टर. कोफैक्टर इज अ नॉन एंजाइमेटिक पार्ट जो कि एंजाइम के साथ अटैच होकर इंटरैक्ट कर एंजाइम को एक्टिव बनाते हैं. एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर दोनों मिलकर अब जो बनेगा कॉम्प्लेक्स, इसे होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा. एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी एक्टिव. ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? एक्टिव कॉम्प्लेक्स है. तो व्हाट आर कोफैक्टर्स? कोफैक्टर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स और दोज नॉन एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स विच आर इंटरैक्टिंग विद द एंजाइम टू कन्वर्ट इट इनटू इनएक्टिव फॉर्म टू एक्टिव. और एक्टिव बनाने के लिए एंजाइम को जो चीज चाहिए उसे कोफैक्टर कहा जाता है. इन जनरल कोफैक्टर्स के नेचर के बेसिस पर, ये कोफैक्टर है कौन इसके बेसिस पर, कोफैक्टर को या तो सिंपली को फैक्टर कहा जाएगा या इसे को एंजाइम कहा जाएगा. तो को एंजाइम या कोफैक्टर. कोफैक्टर का मतलब होता है सिंपली इट इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर. जब कभी कोफैक्टर इनऑर्गेनिक नेचर वाला होता है, कोई मेटल आयन होता है, जनरली जब कभी कोई कोफैक्टर मेटल आयन होता है, इनऑर्गेनिक होता है, तो इसे कोफैक्टर कहा जाता है सिंपली. बट जब कभी कोई कोफैक्टर ऑर्गेनिक होता है, कोई बायोमोलिक्यूल ही होता है, तब इसे कोफैक्टर ना कहकर को एंजाइम कहने की परंपरा है. ओके, जस्ट ऐसा नहीं है को फैक्टर नहीं, ये भी को फैक्टर ही है लेकिन नाम इसको को एंजाइम दिया है, इज ऑर्गेनिक इन नेचर. ठीक है, को फैक्टर और को एंजाइम दोनों लग सकते हैं किसी एंजाइम को.
मल्टीपल कोफैक्टर्स कैन बी रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल एंजाइम। दोनों कोफैक्टर हो सकते हैं, कोफैक्टर हो सकता है, कोएंजाइम हो सकते हैं, दोनों कोएंजाइम हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के कोएंजाइम्स एक एंजाइम को लग सकते हैं या कोफैक्टर्स लग सकते हैं। कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ कैसे जुड़ा है, इस बेसिस पर वापस उसे दो कैटेगरीज में बांट दिया जाता है अटैचमेंट के बेसिस पर। कैसे जुड़ा था, कितना स्ट्रांगली इंटरैक्ट कर रहा था, इसे कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और को सबस्ट्रेट। ऐसे दो कैटेगरीज। जब कोई कोफैक्टर एंजाइम के साथ बहुत स्ट्रांगली आकर इंटरैक्ट करे, ये कोई एंजाइम है, यहां पर कोई कोफैक्टर आकर बाइंड हुआ और ऐसा बाइंड हुआ कि उसको हम एंजाइम को डीनेचुअर करने और कर ही उसे आइसोलेट कर सकते हैं। विदाउट डीनेचुरेशन वी कैन नॉट ऑब्टेन इट इन अ प्योर फॉर्म। अब ये इस एंजाइम का पार्ट ही बन चुका है, इसको आइसोलेट किया जाए, इसको प्यूरिफाई किया जाए तो एंजाइम डीनेचुर हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एंजाइम के फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ ये कैसा इंटरैक्ट कर रहा है, वेरी स्ट्रांग इंटरैक्शन कर रहा है। स्ट्रांग इंटरैक्शन में भी कोवेलेंट और इट में भी वेरी लार्ज नंबर ऑफ नॉर्मल इंटरैक्शन। तो ऐसा कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ स्ट्रांग इंटरैक्शन करे, परमानेंटली अटैच हो, उसे कहा जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा आपको किसके साथ दिखेगा, एंजाइम के साथ दिखेगा। उसके आने जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर ही बैठ कर रहेगा क्योंकि इसे निकाला नहीं जा सकता है। कब अटैच किया गया होगा, एंजाइम बनने के बाद उसको अटैच किया गया होगा, आफ्टर अ ट्रांसलेशन प्रोसेस। वो सबस्ट्रेट ऐसे होते नहीं है, दे आर लाइक सबस्ट्रेट, ये ऐसे गेस्ट है जो आते हैं निकल जाते हैं, आएगा निकलेगा लाइक अ सबस्ट्रेट। जैसे कोई सबस्ट्रेट आता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर बाइंड होता है, प्रोडक्ट की तरह निकलता है, वैसे को सबस्ट्रेट का नाम को सबस्ट्रेट क्यों रखा गया है, ऐसे कोफैक्टर्स जो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ कोफैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ आकर बाइंड हो लेकिन लेस नंबर ऑफ नॉन को इंटरेक्शन से या ट्रांजिएंटली बाइंड हो, जब काम खत्म हो जाए वहां से निकल जाए, दे आर बिहेविंग लाइक व्हाट, दे आर बिहेविंग लाइक सबस्ट्रेट बट दे आर नॉट सबस्ट्रेट ना, वो हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, वो होस्ट है, गेस्ट नहीं है प्रोग्राम के, होस्ट ही है लेकिन आ रहे किस तरह से, किस बेस और किस प्रकार का बिहेवियर है उनका। अपने घर का प्रोग्राम है लेकिन यह कैसे आता है, ऑन टाइम आता है, इट इज नॉट लाइक ए होस्ट, इट इज लाइक ए गेस्ट। जब सबस्ट्रेट आ रहा है उसके साथ साथ आ रहा है, कभी कभी तो सबस्ट्रेट के बाद ही आता है, सबस्ट्रेट पहले आएगा, हम देखेंगे पिंग पोंग रिएक्शन या बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन में। कभी कभी तो कोफैक्टर सबस्ट्रेट आकर बैठा हुआ है तब आ रहा है, हाँ ठीक है आप आए हो चलो मैं भी आया हूँ, इसका मतलब इट इज बिहेविंग लाइक ए गेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज को सबस्ट्रेट। ओके, सो ऐसे प्रकार के दो टाइप्स है, कुछ एंजाइम्स और कुछ कोफैक्टर्स जो इनऑर्गेनिक फॉर्म के हैं, जिन्हें हम सिंपली कोफैक्टर्स कहते हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, रटने हैं बेसिकली, अब इसे पढ़ाने लायक तो कुछ नहीं है। कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि जनरली मेटल आयंस होते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ बार इस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे Fe2+ फेरस, कौन कौन से एंजाइम का कोफैक्टर बन सकता है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को Fe2+ लगेगा। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया में नाइट्रोजनेज नाम का एंजाइम, प्लांट्स में नाइट्रेट रिडक्टेज नाम का एंजाइम होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तो है ही, हम आगे डिस्कस करेंगे NADH डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स वन का पार्ट है, उसे भी Fe लगेगा। जितने भी हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप रिक्वायर्ड प्रोटीन है उन्हें भी Fe लगेगा, जिनके पास FES क्लस्टर होता है उन्हें भी Fe लगेगा, और जितने भी डाईऑक्सीजिनेज होते हैं डाईऑक्सीजिनेज उन्हें भी Fe लगेगा। और Fe काम क्या करता है, रेडॉक्स रिएक्शंस को कैरी आउट करता है, विल कैरी आउट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वैसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको
आयरन एज अ को फैक्टर के तौर पर लगता है। मैग्नीशियम 2+ Mg2+ ऐसा एंजाइम जिसको किसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड से लेना देना होता है या न्यूक्लियोटाइड से इंटरैक्ट करना होता है। न्यूक्लियोटाइड इंटरैक्टिंग एंजाइम्स दे हैव टू और दे रिक्वायर Mg2+ कोई भी हो, हेक्सोकाइनेज काइनेज को तो Mg2+ लगेगा ही लगेगा क्योंकि सभी को ATP के साथ इंटरैक्ट करना है। DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, रिपेयर एंजाइम्स जो रिपेयर करने वाले एंजाइम्स है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स जिन्हें न्यूक्लियोटाइड के साथ इंटरैक्ट करना होता है उन्हें Mg2+ लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा कैल्शियम 2+ ये कम लगता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कालमोडिलिन, एक्वेरिन, दीज आर द प्रोटीन्स दे आर रिक्वायरिंग कैल्शियम फॉर देयर एक्टिविटी। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स है जो मेनली रिसेप्टर्स के तौर पर काम करेंगे जिनको कैल्शियम लगता है एज अ को एंजाइम, सॉरी को फैक्टर। कैलमोडिलिन, एक्वेरियन, दिस इज एक्वेरियन स्पेलिंग है इसकी, एक स्पेलिंग देख लेना। एक्वेरियन नाम का प्रोटीन है जो जेली फिश से ऑब्टेन किया जाता है और ये एक्वेरियन नाम का प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा प्रोटीन है कैल्शियम के साथ इंटरैक्ट करने पर फ्लोरेसेंस देता है। हम फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जहां पर एग के साथ स्पर्म इंटरैक्ट करता है वहां से कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगा और उसकी वेव अपोजिट एंड तक जाएगी। इसे स्टडी करना है तो एक्वेरियन प्रोटीन इंजेक्ट कर रखा जाता है एग में, पहले लाइट आना स्टार्ट होगा जहां पर स्पर्म इंटरैक्ट हुआ है, उसके बाद वो लाइट का जो वेव है स्प्रेड होता जाएगा। सो इट इज यूटिलाइज फॉर प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल स्टडीज के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम, प्रोपेनॉइल, कोए, कार्बोक्सिलेज इस एंजाइम को लगेगा, पाइरुवेट, काइनेज इस एंजाइम को लगेगा, पोटेशियम बहुत कम एंजाइम को लगता है। देन होता है मोलिब्डेनम, ये भी नाइट्रोजिनेज, आपको पता होगा MOFE कॉम्प्लेक्स होता है नाइट्रोजिनेज, या प्लांट में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजिनेज तो प्लांट का एंजाइम नहीं है लेकिन ये बैक्टीरिया का एंजाइम है। नाइट्रेट रिडक्टेज को भी MO लगता है, मोलिब्डेनम। इसके अलावा MN2+, MN किसी भी स्टेट में हो, MN1+, MN2+, MN3+, MN4+ कोई भी हो, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोसिस्टम सेकंड के पास एक कॉम्प्लेक्स होता है का नाम है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, इसको काम करने के लिए MN2+ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम जो कि DNTPs बनाने के लिए लगेगा, इसको काम करने के लिए भी MN2+ लगेगा, और आर्जिनेज भी है शायद कि वह उसे MN2+ लगता है, MN2+। ये चीज़ें आने वाली है आगे क्योंकि हर एंजाइम के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे उसके को फैक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जस्ट हमें यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं। नेक्स्ट है Copper 2+ या कॉपर, मेनली एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और टायरोसिनेज, बहुत कम एंजाइम है जिनको कॉपर लगता है। लाइसाइल ऑक्सीडेज जिसे लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज हमने कहा, लाइसाइल ऑक्सीडेज, ठीक है। कॉपर इज रिक्वायर्ड फॉर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, लाइसाइल ऑक्सीडेज एंड सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, इनको लगेगा कॉपर। इसके अलावा भी बाकी बहुत सारे मेटल आयंस है जो कि को फैक्टर्स के तौर पर काम करेंगे, जैसे सेलेनियम, ग्लूटाथायोन, फॉर ऑक्सीडेज इसके लिए लगेगा सेलेनियम। इसके अलावा भी हो सकते हैं को फैक्टर्स, जैसे कि और एक है इम्पॉर्टेंट Ni, निकेल, जो लगता है मेनली फर्स्टली क्रिस्टलाइज एंजाइम यूरिएज,
एच टू हाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेस, इसको भी लगेगा एच टू हाइड्रोजिनेस, या हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजिनेस एक्टिविटी करने वाला निकेल। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट को फैक्टर्स। इसके अलावा भी कुछ को फैक्टर्स हो सकते हैं, कोबाल्ट हो सकता है, बहुत सारे हैं, चार्ट में दिया हुआ है, जस्ट आपको याद रखना है। एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, निकेल इज द को फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर यूरियस, ऑप्शन में नाम दिया जाएगा। बस कुछ को फैक्टर है जिन पर बार बार पूछा गया है, जैसे एन आई, सेलेनियम, ग्लूटाथाइन फोर ऑक्सीडेज। तो देर आर सम को फैक्टर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, उनको रटना ही है। नाउ मूविंग टू द को एंजाइम्स, ऑर्गेनिक को फैक्टर्स को, जैसे मैंने कहा को एंजाइम्स, ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द को एंजाइम्स आर विटामिन इन नेचर, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सभी को एंजाइम विटामिन वाले हो, कुछ नॉन विटामिन मॉलिक्यूल्स भी को एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। ऑर्गेनिक को फैक्टर्स में हम बात कर रहे हैं को एंजाइम्स के बारे में, और हम कह रहे हैं कि को एंजाइम्स मोस्टली आर विटामिन्स, और विटामिन में भी मेनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से ऑप्टेन किए जाने वाले को एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं। बट दिस इज नॉट अ ओनली ट्रू स्टेटमेंट, इवन विटामिन सी से भी कुछ, और विटामिन सी भी को एंजाइम के तौर पर काम करता है, जैसे हमने पढ़ा था लाइसाइल, हाइड्रोक्सिलेज, प्रोलाइल, हाइड्रोक्सिलेज, विटामिन सी को हमने एस्कॉर्बिक एसिड कहा था, लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज, प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज, या इन जनरल डाई ऑक्सीजिनेज, डाई ऑक्सीजिनेज जो होते हैं ना, ये सभी के सभी विटामिन सी रिक्वायरिंग होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाटर सोल्युबल विटामिन आर यूटिलाइज एज अ कोएंजाइम, उसमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ फॉर्म्स कोएंजाइम के तौर पर यूज किए जाते हैं। वापस हमें ये याद रखना है कि कौन सा विटामिन क्या काम करेगा, उसकी कोएंजाइम फॉर्म क्या होगी, और उसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पर आएगा विटामिन, यहाँ पर उसका कोएंजाइम की फॉर्म, उसका रोल, मीन्स कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करता है, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स। विटामिन बी वन जिसे हम थियामिन कहते हैं, इसका कोएंजाइम फॉर्म होता है थियामिन पायरोफॉस्फेट, TPP, डिटेल थियामिन पायरोफॉस्फेट। रोल होता है कार्बोनिल ग्रुप ट्रांसफर, कार्बोनिल का मतलब है या तो कीटो ग्रुप ट्रांसफर करेगा या तो अल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन करेगा। अल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में TPP इन्वॉल्व होता है, और याद रखें TPP प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक का मतलब हमेशा एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ा होता है, टाइटली एसोसिएटेड होता है। TPP आइसोलेट करना चाहे तो ये पूरी तरह से एंजाइम को डिनेचुरेट। एग्जाम्पल के तौर पर पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस, देन ट्रांस कीटोलेज, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, और इसके अलावा भी कुछ एंजाइम्स होंगे जिनके साथ TPP जुड़ा होगा। बट TPP एक ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम है, ज़्यादातर एनर्जी प्रोडक्शन के रिएक्शंस में या मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के, जैसे HMP पाथ, ग्लाइकोलाइसिस, लिंकिंग स्टेप। TPP नहीं हो, कब नहीं होगा? थियामिन नहीं होगा, थियामिन का मेजर सोर्स होता है स्टेपल फूड, दैट इज अ राइस। जब हम पॉलिश राइस खाते हैं ना, पॉलिश राइस जिसमें कोई भी हस्क नहीं होता है, ऊपर का लेयर नहीं होता है, पूरी तरह से हटा दिया जाता है अच्छा दिखने के लिए, इफ़ यू टेक अ पॉलिश राइस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, देन बी वन विल बी एबसेंट इन आवर डाइट, बी वन एबसेंट होगा, थियामिन एबसेंट होगा, तो हम देखेंगे ना PDH काम करेगा, ना KDH काम करेगा, ना पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज काम करेगा, ATP जितना चाहिए उतना नहीं बन पाएंगे। इफ ATPs आर नॉट सिंथेसाइज्ड, ऑब्वियसली न्यूरो डिजेनरेशन विल आकर, न्यूरो डिजेनरेशन से मेंटल रिटार्डेशन होगा,
इसी डिसीज को बेरी बेरी कहा जाता है। बेरी बेरी डिसीज के बारे में अल्टीमेट लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के विटामिन के टॉपिक। तो B1 के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, B2 राइबोफ्लेविन इज द नेम ऑफ दिस विटामिन, और इसके जो कोएंजाइम फॉर्म्स है FMN है, जो कि माना जाता है इसमें न्यूक्लियोटाइड ही नहीं है लेकिन ये सुडो न्यूक्लियोटाइड है। FAD दैट इज FAD स्टैंड्स फॉर फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जा रहा है लेकिन ये है मोनो न्यूक्लियोटाइड, एक ही न्यूक्लियोटाइड है ये। दोनों रेडॉक्स रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में भी हाइड्रोजन का डोनेशन एक्सेप्शन करते हैं, दे कैरी आउट रेडॉक्स रिएक्शन। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेनली दो एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड का पार्ट है, और दूसरा भी कॉम्प्लेक्स सेकेंड का ही पार्ट है असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस। इसके अलावा दो एंजाइम्स के नाम ऑलरेडी जो लिखे हैं हमने PDH KDH, उनको FAD भी लगता है, ये भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप ही है, दिस इज अगेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। विटामिन B3 सबसे ज़्यादा अमाउंट में लगने वाला ये विटामिन है हमें, और जिसको हम नियासिन कहते हैं या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, जिसके पास इंडोल रिंग होती है, और ये ट्रिप्टोफैन मेनली ट्रिप्टोफैन में भी ये रिंग प्रेजेंट होती है नियासिन, ठीक है। तो हमें हमारे पास ट्रिप्टोफैन होगा या इंडोल रिंग होगी, निकोटिनिक एसिड होगा, तो हम इससे NAD या NADP नाम के NAD प्लस और NADP प्लस ऐसे दो कोएंजाइम्स हम बना सकते हैं नियासिन से। ये भी रेडॉक्स रिएक्शन में काम करेगा लेकिन ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर का काम करेगा, हाइड्राइड मीन्स दो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन का देवन मीन्स यहाँ पर क्या है, हाइड्राइड आयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स दो होने चाहिए और एक प्रोटॉन होना चाहिए, इसका लेन देन ये करता है, किसी से हाइड्राइड लेगा किसी को हाइड्राइड दे देगा, ठीक है। नियासिन कंटेनिंग एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम में से नाम बहुत सारे हैं, PDH KDH PPGAL डिहाइड्रोजिनेज, तो इतने सारे नाम आगे आने वाले हैं, तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि आगे मेटाबॉलिज्म में यही है NAD किसको लग रहा है, NAD पे कम होने पर क्या होगा, NAD ज़्यादा होने पर क्या होगा, B5 इसे को एंजाइम या इसे पेंटोथिनिक एसिड कहा जाता है, इस इज अ पेंटोथिनिक एसिड, और ये को एंजाइम A के नाम से जाना जाता है, दिस वॉज द फर्स्ट को एंजाइम आइसोलेटेड एंड नोमेनक्लेटेड। सोचा होगा चलो किसी भी को एंजाइम मिलेगा तो उसको ये नाम देंगे, उसके बाद B देंगे, उसके बाद C देंगे, उसके बाद D देंगे, कोएंजाइम ये तो नाम आया, लेकिन बाकी लोगों का भी अल्टरनेटिव नाम है, लेकिन इसे आज भी हम कोएंजाइम ए से नाम से जानते हैं। ये असाइल ट्रांसफर रिएक्शन करता है, असाइल ट्रांसफर में ये एसिटाइल ट्रांसफर हो सकता है या प्रोपेनॉइल ट्रांसफर हो सकता है, ब्यूटाइल ट्रांसफर हो सकता है, या P1 फैटी एसिड चेन का ट्रांसफर हो सकता है। असाइल ट्रांसफर रिएक्शंस जहाँ कहाँ पर होंगे वहाँ पर कोएंजाइम लगेगा। ये कोएंजाइम को सब्सट्रेट है, लाइक नियासिन ये भी को सब्सट्रेट था, ये भी को सब्सट्रेट था, ये दोनों को सब्सट्रेट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये टेम्परेली एसोसिएट होते हैं एंजाइम्स के साथ, एसोसिएट होकर परमानेंटली नहीं बैठेंगे। एग्जांपल्स है थायोकाइनेज थायोलेज, देन सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, वैसे PDH और KDH को भी लगता है ये, इनको पांच कोएंजाइम लगते हैं PDH और KDH को, अलग अलग प्रकार। एसिटाइल कोए सिंथेटेज, एसिटाइल कोए सिंथेटेज, या इसे सिट्रेट सिंथेटेज भी कहा जाता है, सिट्रेट सिंथेटेज, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसको कोएंजाइम ए की जरूरत है।
विटामिन बी सिक्स जिसे या तो पायरिडोक्साइन या पायरिडोक्सन सॉरी पायरिडोक्सल पायरिडोक्साइन या पायरिडोक्सा अमीन ऐसा नाम दिया जाता है। ये तीन अलग अलग नाम है, पायरिडोक्सा अमीन इस प्रकार के नाम है। इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है पीएलपी पायरिडोक्सल फास्फेट इज द को एंजाइम फॉर्म। और ये अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस करेगा जैसे अमीनो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, या ये अमीनो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन ऑलमोस्ट सभी अमीनो ट्रांसफरेज को काम करने के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर जितने भी ट्रांस अमीनेज या अमीनो ट्रांसफरेज है सभी को काम करने के लिए पीएलपी लगेगा। इसके अलावा ये फॉस्फोरिल ग्रुप ट्रांसफर भी कर सकता है जैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में फॉस्फोरोलाइसिस के दौरान पीएलपी काम करेगा फॉस्फोरिल ग्रुप ट्रांसफर का। तो ये पायरिडोक्सल फॉस्फेट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम है अमीनो ट्रांसफरेज पी मेनली सेवन इसका नाम है बायोटीन। ये इसका जो कोएंजाइम फॉर्म होता है ये बायोसाइटीन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन को ट्रांसफर करने का काम करता है। इट इज अ ट्रांसफरेज एक्टिविटी। कार्बोक्सिलेज जितने भी नाम कार्बोक्सिलेज के आएंगे जस्ट एक कार्बोक्सिलेज छोड़कर हम के डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस बेस बायोसिंथेसिस में एक कार्बोक्सिलेज जिसको बायोटिन नहीं लगता है, अदरवाइज सभी कार्बोक्सिलेज को काम करने के लिए बायोटिन लगता है। ये भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये भी प्रोस्थेटिक ग्रुप ही था। इसके अलावा और बी नाइन फोलिक एसिड इसके अलग अलग फॉर्म्स है। कोएंजाइम फॉर्म्स टेट्राहाइड्रोफोलेट के फॉर्म में होते हैं, टीएचएफ मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथेनाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट N5N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोलिक एसिड विच कैन वर्क लाइक अ कोएंजाइम। जो भी काम करेंगे वह वन कार्बन ट्रांसफर या मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर का काम करेंगे, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में काम करेंगे, मिथाइल ग्रुप के लेन देन में ये इन्वॉल्व होते हैं। एक बेस्ट एग्जाम्पल है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस जो कि खुद टीएचएफ बनाता है जिसको फोलिक एसिड लगेगा, इसको सब्सट्रेट के तौर पर लगेगा डीएचएफआर डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। इसके अलावा नाइट्रोजिनस बेस बायोसिंथेसिस में एडेनिन बायोसिंथेसिस गुआनिन बायोसिंथेसिस और थायमिन बायोसिंथेसिस में फोलिक एसिड एक प्रोडक्ट की तौर सब्सट्रेट के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, और आखिरी वाला एंजाइम सॉरी विटामिन है विटामिन B12 जो कि ऐसा विटामिन है जिसे साइनो कोबाल अमीन कहा जा रहा है, जिसे 5' डीऑक्सी एडिनोसिल साइनो कोबाल अमीन कहा जाता है। पूरा नाम 5' डीऑक्सी साइनो कोबाल अमीन ये पूरा उसका कोएंजाइम फॉर्म है और ये वन कार्बन ट्रांसफर रिएक्शन करता है, वन कार्बन ट्रांसफर रिएक्शन, और बहुत रेयरली यूज होता है। दो ही ऐसे एंजाइम्स है, एक है मिथियोनिन सिंथेस और दूसरा है MMM दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिथाइल मेलोनाइल म्यूटेज। मिथाइल मेलोनाइल म्यूटेज इज द एंजाइम विच रिक्वायर साइनोकोबालामिन दैट इज विटामिन B12। ऐसा विटामिन है जो अकेला विटामिन जो प्लांट में नहीं पाया जाता है, या तो बैक्टीरिया से इसलिए ऑप्टेन किया जाएगा या एनिमल डाइट से हम ऑप्टेन कर सकते हैं। तो दीज आर दी विटामिन्स विच कैन बी यूटिलाइज मेनली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स विच कैन बी यूटिलाइज एज अ कोएंजाइम्स। इसमें पढ़ाने वाला पार्ट कुछ भी नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा सा फास्ट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये तो रटना ही है, आपको ही रटना पड़ेगा कौन सा फॉर्म कहाँ लगेगा क्या करना है, और इतने बार रिपीट होगा आगे चलकर कि ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे कि मेटाबॉलिज्म में हर दिन 5-6 दिन जो लगेगा मेटाबॉलिज्म का टाइम, 8 दिन जो लगेंगे पूरे
इसी प्रकार के सभी कोएंजाइम कोफैक्टर्स हम डिस्कस करते रहेंगे हर एक एंजाइम। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में अब तक हमने डिस्कस किया कि वाटर सोल्युबल विटामिन्स कैन वर्क लाइक अ कोएंजाइम, बट ऐसा कुछ नहीं है कि फैट सोल्युबल विटामिन भी कोएंजाइम के तौर पर काम कर सकता है। एक एग्जांपल विटामिन के, विटामिन के इज अ टाइप ऑफ क्विनोन, प्लांट से आइसोलेट होता हो तो प्लास्टोक्विनोन, अदर ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म से ले ले तो यूबी क्विनोन, बैक्टेरिया से हो तो मेना क्विनोन, ये क्विनोन है बेसिकली, इट इज अ टर्पिन, वी नो दैट इट इज फैट सोल्युबल विटामिन। एक बेस्ट एग्जांपल है विटामिन के, हमें लगता है विटामिन के H2 के फॉर्म में फॉर वन एंजाइम, एक एंजाइम का नाम है गामा कार्बोक्सिलेज। गामा कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पर गामा पोजीशन ग्लूटामिक एसिड के कार्बोक्सिलेशन करता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पहले इनएक्टिव होते हैं, गामा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होने पर क्या हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में आएंगे जो कि ब्लड क्लॉटिंग कर सकते हैं, नाउ दे कैन कैरी आउट द ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के एच टू इज द इपोक्साइड फॉर्म ऑफ अ विटामिन या रिड्यूस फॉर्म ऑफ विटामिन, हाइड्रोजिलेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर गामा कार्बोक्सिलेज। हम विटामिन के लेते हैं और विटामिन के एच टू बना सकते हैं, हमें चाहिए विटामिन के, लेकिन क्या बनाना पड़ेगा हमें विटामिन के एच टू, हमारे पास एक एंजाइम होता है विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज जो कि विटामिन के को विटामिन के एच टू में कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए हमने विटामिन के लिया लेकिन ये एंजाइम काम नहीं करे, तो एंजाइम काम नहीं करेगा तो विटामिन के एच टू नहीं बनेगा, जो चाहिए वो नहीं रहेगा ना, है विटामिन के लेकिन विटामिन के एच टू नहीं है तो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो हमें ठीक है, ऊपर से कुछ इंजुरी नहीं दिख रही है लेकिन बहुत सारे इंटरनल इंजुरीज बॉडी में होते रहते हैं जो वेयर एंड टेयर का काम करते रहेंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड में पड़े होते हैं, ठीक है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर संभाल लेंगे नॉर्मली, हाँ हमें तब पता चलेगा बाहर से कोई इंजुरी हो जाएगी, इंटरनल इंजुरीज आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दे अवॉइड द लॉस ऑफ ब्लड, दे अवॉइड द हेमोरेज। बट विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज इनहिबिट किया जाए किसी तरह से तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाएंगे और हेमोरेज या ब्लड लॉस होने के कारण इंटरनल इंजुरीज में डेथ हो सकती है। जैसे काउमेरिंस एक फिनॉलिक कंपाउंड है, अम्बिलीफेरी फैमिली के मेंबर से इसे आइसोलेट किया जाता है, जैसे कोथिंबीर हो जो हम रेगुलर खाते हैं उसमें काउमेरिंस होते हैं बट लेस अमाउंट में होते हैं, उसमें से इसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। हाँ हम बंडल्स में खाएंगे, किलोज में खाएंगे तो ऑब्वियसली ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से डॉक्टर बता दे ना, कोई इंजरी वगैरह हुई तो आप ये अवॉइड करो, ये मत खाओ क्योंकि ये कंपाउंड मिलेंगे और आपका ब्लड क्लॉटिंग इनहिबिट हो सकता है। कोमेरिंस जो कि मेनली फिनॉलिक कंपाउंड की एक टाइप है, इसके अलावा एक रैट किलिंग ड्रग है जिसका नाम है वारफेरिन, जो रैट को किल करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज वारफेरिन। वारफेरिन भी इसी प्रकार से काम करता है, रैट को कितना लगने वाला है, रैट में बहुत माइन्यूट अमाउंट में वारफेरिन चला जाए तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाएंगे, रैट में इंटरनल इंजरीज होगी और अल्टीमेटली रैट की डेथ होगी, ठीक है। लेकिन वारफेरिन हमारे लिए कुछ हद तक अच्छा साबित हो सकता है, कुछ हद तक, ज़्यादा खा लेंगे तो आपकी भी डेथ हो सकती है, कुछ हद तक मीन्स ये क्या अवॉइड कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग अवॉइड कर रहा है। जिस पर्सन को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, क्लॉट बनने के इश्यूज हैं, तो उसके लिए एंटी हार्ट अटैक ड्रग की तौर पर ये काम कर सकता है, बट यू हैव टू टेक इन अ माइन्यूट अमाउंट, ऑप्टिम अमाउंट में ले ले तब जाकर ये एंटी हार्ट अटैक साबित होगा, नहीं तो हार्ट अटैक आने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ज़्यादा खा लेंगे तो ये हमारे लिए टॉक्सिन है लेकिन एंटी हार्ट अटैक ड्रग की तौर पर यूज कर सकते हैं, दिस इज अ वारफेरिन। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ विटामिन्स ही कोएंजाइम के तौर पर काम करे, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो विटामिन नहीं है फिर भी कोएंजाइम का काम कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिपोअमाइड,
जो हम आगे डिस्कस करेंगे, पीडीएच एंजाइम केडीएच एंजाइम के साथ जुड़ा होता है लिपोअमाइड, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये विटामिन नहीं है फिर भी कोएंजाइम है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, विटामिन्स ओनली दे वर्क लाइक अ कोएंजाइम, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नॉन विटामिन्स ऑर्गेनिक फैक्टर्स कैन वर्क लाइक अ कोएंजाइम्स, एग्जांपल लिपोअमाइड। ऐसा बताया जाता है जनरली प्रोटीन्स दे डू नॉट वर्क लाइक अ कोएंजाइम, बट ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स होते हैं जो कि कोएंजाइम्स के तौर पर काम करेंगे, नाम के तौर पर याद रखना ग्लूटाथायोन कैन वर्क लाइक अ कोएंजाइम, थायोरेडॉक्सिन कैन वर्क लाइक अ कोएंजाइम, कैलमोडुलिन कैन वर्क लाइक अ कोएंजाइम। सो इवन सम प्रोटीन्स कैन वर्क लाइक अ कोएंजाइम, इवन कुछ प्रोटीन्स भी कोएंजाइम का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें कोएंजाइम्स के बारे में आपको याद रखनी रटनी है बेसिकली। This is about the coenzymes and cofactors.